Write down in the given figure. In the given figure, triangle ACB similar to triangle APQ. ACB, please keep quiet now. And Dilpreet, don't spoil school's property. You are supposed to write on your copy note to write on the bench. So, aap aur kharab karte jao usko. In the given figure, triangle ACB is similar to triangle AQP. Similar to APQ. We are given AB is equal to 6, BC is equal to 8, PQ is equal to 4, and AQ is to be find. AQ is to be find. देखो ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल के जो साइड्स है उनकी सेम होती है तो सबसे पहले जो जो साइड्स है उनकी रेशियो ए बी हमारे पास गिवन है ए क्यू वी वांट टू फाइंड लाइक दिस और जो बाकी की दो साइड गिवन है उनको भी इन्वॉल्व कर लो वी आर हैविंग बी सी एंड पी क्यू सो सी बी ओवर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल पुटिंग द वैल्यू ए बी इज 6 ए क्यू वी वांट टू फाइंड बी सी इज 8 and PQ is 4. So this implies AQ comes out to be 3. ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा एक एमसीक्यू में बहुत सारे सैंपल पेपर्स में कितने ऐसे क्वेश्चन थे फटाफट से इसको करते जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट करो होगी सलाह राघव के साथ केशव होगी बातें राघव के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ एबीसी सिमिलर टू डीईएफ सच दैट 3 टाइम्स एबी इज इक्वल टू डीई दिस कंडीशन इज गिवन टू अस एंड बीसी इज गिवन टू 9 We need to find EF. Triangle similar है और ये condition के साथ हमने जो है EF find करना है। सबसे पहले तो similarity की condition से हम sides की proportionality लिखेंगे। जब side find करनी है तो हमेशा side की proportionality का rule आप लगाओगे। ये चीजें involve होनी चाहिए उसमें। तो मैंने AB ले लिया because AB मुझे given था। AB upon DE। पहली रेशो मैंने इसकी ले ली और दूसरी रेशो मैं लेने लगी हूँ बीसी की बिकॉज आई हैव बीसी विद मी बीसी एंड सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डिंग ईएफ नाउ दिस डीई अगर हम इसको रिप्लेस करें दिस इज 3 एबी एक मिनट सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करो वैल्यू इज 9 इज गिवन बीसी ईएफ वी वांट टू फाइंड हमें ईएफ चाहिए इसका मतलब इन दोनों को हमें गायब करना है दोनों में से किसी की वैल्यू गिवन नहीं है बट वन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ अदर सो यू कैन रिप्लेस दिस डीई बाय 3 टाइम्स एबी रिप्लेस कर दो इसको एबी एबी कैंसिल सो ईएफ कम्स आउट टू बी 27 ईएफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 27 कीप क्वाइट एंड डू इट साइड बाय साइड क्लियर है DE, DE की वैल्यू 3 टाइम AB है वो रिप्लेस कर दो एंड यू विल गेट EF टू बी 27 नेक्स्ट इन ट्राइंगल एबीसी लगाओ यहाँ पे सिमिलरिटी की कंडीशन क्या आएगा AB के नीचे DE और BC के नीचे DF पुट करो वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 3
इन ट्राइंगल एबीसी देयर इज ए ट्राइंगल एबीसी, केशव रिखी जी कुछ नोट कर लो, एबीसी इज अ ट्राइंगल, इट इज गिवन एबी इज 6, एसी इज 8 एंड एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. एडी इज गिवन टू बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. वी वांट टू फाइंड बीडी रेशियो डीसी. हां जी अंशिका, कोई रिजल्ट याद आ रहा है आपको ये क्वेश्चन देखे? एबीसी ट्रायंगल में एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है, हमें बीडी और डीसी की रेशियो फाइंड करनी है. एनीवन जस्ट रेज योर हैंड. हाँ, एंगल बाइसेक्टर क्या? फिर अगर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर दिया हो तो साइड्स का क्या, वहां पे उसका इफेक्ट होता है. ये एंगल बाइसेक्टर अपने आसपास की साइड्स और जहां पे ये फॉल करता है उस साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है. दिस वाज एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बिना प्रूफ के हमने किया था उसकी एप्लीकेशन देखो क्वेश्चन में आ गई. दैट इफ वी आर हैविंग एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्रायंगल देन दैट एंगल एंगल बाइसेक्टर इज गोइंग टू डिवाइड द साइड्स अ साइड इट एंड द साइड ऑन व्हिच इट फॉल्स इन द सेम रेशियो. सो यू कैन हैव AB over AC is equal to BD over upon DC. So this becomes 6 upon 8 BD upon DC and the answer is 3:4. देखो एक friction of second का question है, but only then you can do if you are knowing the result. अगर आपको result पता है. Next. सर लिखते जाओ एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एप्लीकेशन है ये. 6.6 का एज इट इज क्वेश्चन शायद ही कम भी कोई आए, एप्लीकेशन जरूर आएगी उनकी. क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर एंड पेरीमीटर ऑफ एबीसी, perimeter of triangle ABC, this is equal to 20 centimeter and perimeter of PQR, this is equal to 40 centimeter. PR is equal to 8, find AC. Similar triangle में हमने जो है result किया था, हमने जो similar triangle का result किया था, जो sides के साथ related हो, वो ये था कि सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरियाज हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होते हैं, है ना. बट अगर हम स्क्वायर ही किया था ना हमने, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये था एरिया थ्योरम. बट नाउ हियर इट इज द क्वेश्चन ऑफ पेरीमीटर. तो इस केस में पेरीमीटर में थोड़ा सा चेंज होता है. आई एम टेलिंग यू दैट पेरीमीटर, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर देयर देन पेरीमीटर ऑफ एबीसी फर्स्ट ट्रायंगल ओवर पेरीमीटर ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, वहां पे हमने स्क्वायर ऑफ द रेशियो किया था ना, यहाँ पे सिंपल रेशियो होता है, ये थोड़ा याद रखना है. सो हमारे पास वैल्यू पी आर की गिवन है, एसी की निकालनी है, सेम साइड की रेशियो लिख लो, एसी अपॉन पी आर. So, आपको गिवन है पी क्यू आर का पेरीमीटर, उसको लिख लो नीचे. पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज टू बी फाइंड आउट, एबीसी का पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है. सो आई एम राइटिंग इट एज इट इज. पी क्यू आर का पेरीमीटर है 40, एसी की वैल्यू वी वांट टू फाइंड, दिस इज 8. एक मिनट. हाँ, एबीसी का भी दिया हुआ है, एसी फाइंड करना है. ठीक है, सो ये आ गया 2, 4 जा 8, सो एसी इक्वल टू 4. शायद मैंने आपको जब रिजल्ट करवाया था मैंने कह दिया था कि सेम रिजल्ट पेरीमीटर में होता है, सेम कह दिया था ना, सेम नहीं है, स्क्वायर नहीं आएगा, सीधी साइड आएंगी. पेरीमीटर्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स इट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द साइड, दिस इज अ लिटिल डिफरेंस. चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सारे ऐसे क्वेश्चन बन के आने हैं, इतने ज्यादा घबराओ मत कि पता नहीं क्या हो जाना है, ऐसे ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे. नेक्स्ट,
इन ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 9। हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ए बी 9 है, बी सी इज 6 एंड सी ए इज 7.5 एंड मोर ओवर इट इज गिवन दैट इन ट्राइंगल डी ई एफ, साथ साथ नोट करते जाओ, ई एफ इज 8 एंड बोथ द ट्राइंगल्स दे आर सिमिलर टू ईच अदर, both the triangles they are similar to each other. We need to find perimeter of triangle DEF. जब perimeter आ जाए निकालना triangle का similarity के थ्रू, फिर हमने perimeter का rule लगा देना है that proportions of the perimeters, ratio of the perimeter, perimeter of ABC over perimeter of DEF. This is equal to proportion of their corresponding side. जो sides दी हुई हैं उसी हिसाब से ले लेते हैं। A, B, C की तो सारी sides given हैं, तो उसके उसको हम secondary रखते हैं, इससे choose करते हैं। DEF में से हमें EF side given है, तो अगर मैं नीचे EF लिखती हूँ, above I have to write BC. Now the thing is, we want to find perimeter of DEF. DEF इसका मतलब हमारे पास बाकी सारी values होनी चाहिए। ये value किससे replace हो जाएगी? BC की 6 से, और EF की वैल्यू 8 से. Now the question is, if you want to find perimeter of DEF, you should know perimeter of ABC. ABC की सारी साइड गिवन है. If triangles all sides are given, what will be its perimeter? Sum of all sides. तो यहाँ पे ABC के perimeter को 9, 6, 15 plus 7.22.5 से रिप्लेस कर दो. This is equal to 3/4. सॉल्व करो, गेट पेरीमीटर ऑफ डीईएफ. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. एक चीज और मैंने बतानी है कि जो हमारा वो थ्योरम है ना बीपीटी, उसकी एप्लीकेशन एक और तरह से होती है. चलो पहले ये कर लो, ठीक है? यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, घर जाके कर लेना, नोट करते जाओ साथ साथ. कौन कहता है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का पेरीमीटर सेम? ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो वो एसएएस कॉन्ग्रेंसी से भी कॉन्ग्रेंट होते हैं. तो एसएएस कॉन्ग्रेंट में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी तो इक्वल होती नहीं है. अगर हम एए से ले लें तब साइड्स का पता ही नहीं है कुछ, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर we are having this triangle in which this side PQ it is parallel to BC. PQ parallel to BC, फटाफट से अपने माइंड में रिकॉल कर लो कि ये हमारे पास BPD की एप्लीकेशन आ रही है. PQ is parallel to BC. BP is given to be 2, this is given to be 3, this is given to be 3 and AQ is to be find out. एक चीज याद रखना, हमें पता है कि जो पैरेलल लाइन है अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम it divides the aside side, साथ वाली sides को same ratio में divide करती है. अगर आप ratio नीचे से लेनी शुरू कर रहे हो इधर वाली side की, तो इधर की भी आपको accordingly जो है below direction से लेनी पड़ेगी. That means if I am writing AP over PQ, I should write AQ over QC like this. AP की value 3, sorry यहाँ पे PB आएगा. PB की value 2, AQ I want to find and QC is 3. Accordingly, the answer will be 9/2. कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर से लिख लेते हैं BP over AP और फिर नीचे से AQ over QC. ऐसे नहीं, या तो आप दोनों ही अपर डायरेक्शन से ले लो रेशो, या दोनों ही लोअर डायरेक्शन से ले लो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्राइंगल ABC, AB is given to be 6. यहाँ पे मैं बताऊंगी बीपीटी की जो है सेकंड फॉर्मेशन क्या है, कैसे उसको और तरह से अप्लाई किया जा सकता है. डीई इज पैरेलल टू बीसी इन ट्राइंगल एबीसी. वी आर गिवन एबी इक्वल टू 6, डीई पैरेलल टू बीसी, एई इज इक्वल टू 1/4 एसी, एई इज इक्वल टू 1/4 एसी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एडी. फिगर देखो,
हाँ देखो, हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास एक साइड ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल हो तो वो आसपास की साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दैट मींस वी डिड एडी ओवर एबी, दिस इज इक्वल टू एई ओवर ईसी, यही किया था ना आपने। अब एक मिनट के लिए ध्यान से देखना, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, एडी प्लस और सॉरी एडी अपॉन डीबी, सॉरी एई अपॉन ईसी, एडी चाहिए, एक डीबी अपॉन एडी ईसी अपॉन वन प्लस करें अगर दोनों साइड से। एक मिनट पहले मेरे को वो वाला रिजल्ट बनाने दो जो जहां पे मुझे लेके जाना है, फिर समझाते। लिसन, हमने ये रिजल्ट किया था कि साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती हैं पैरेलल लाइंस अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, एंड आई एम डिराइविंग वन मोर रिजल्ट फ्रॉम द सेम रिजल्ट। डेरिवेशन याद रहती है इट्स ओके, अगर नहीं रहती तो इट्स मोर देन ओके। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैंने क्या किया इसमें देखो, सबसे पहले मैंने रेसिप्रोकल लिया, एडी को नीचे ले आई, ठीक है, एंड देन आई एम एडिंग वन टू बोथ साइड, दोनों साइड पे मैंने वन ऐड किया। जैसे मैंने वन ऐड किया, डीबी प्लस एडी मिलके क्या बन गए, एबी एलसीएम लेने के बाद, एंड एई प्लस ईसी मिलके क्या बन गए, एसी। यानी कि जो आपने थ्योरम किया था बीपीटी उसकी उसको आप इस तरह से भी याद रखोगे कि इस केस में बीपीटी थ्योरम में जब पैरेलल लाइंस आती है तो हम बड़ी साइड एक साइड से लें और नीचे से उसी साइड का छोटा हिस्सा सेम पॉइंट से शुरू होता हुआ ए बी अपॉन ए डी, ठीक है, दूसरी साइड से ए सी अपॉन ए ई, ये रिजल्ट भी हमारा बीपीटी में बीपीटी के थ्रू होल्ड करता है। जो हमने किया था आधी आधी साइड्स का, वो पूरी साइड ओवर आधी साइड, पूरी साइड ओवर आधी साइड से भी चलता है। और ये मत सोचना कि ये आधा हिस्सा सिर्फ ए डी के साथ ही है, अगर मैं ना लेती यहाँ पे रेसिप्रोकल तो डीबी मेरे पास वैसे ही रह जाता। हाँ, बीपीटी के कन्वर्स के प्रूफ के स्टेप, कन्वर्स के, यस, अपनी तरफ से ऐड किया, तभी मैं कह रही हूँ डेरिवेशन पे मत जाओ, एलसीएम इक्वल करके ना, क्योंकि मुझे एबी चाहिए था, एबी तभी आएगा जब डीबी में एडी ऐड होगा, उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम के लिए कुछ चाहिए होता है, कैली फ्रैक्शन का तो एलसीएम ले नहीं सकती मैं, इसलिए मैंने दोनों, कौन सी सीधी साइड यही लिया, वो देख मैं सीधा ही लूंगी, मैं तो सिर्फ डिराइव करके दिखा रही हूँ आपको। हाँ जी लिसन, अगर मैं हैड इट बीन रिटन डायरेक्टली यू माइट हैव आस्क्ड कि मैम ये कैसे आया, तो मैंने आपको ये बताया कि बीपीटी का जो आपने रिजल्ट याद किया हुआ है कि आधी आधी साइड की रेशियो इक्वल होती है, वहां से पूरी बाय आधी भी आपने याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी आप ये वाली यूज करोगे एंड सम टाइम्स अकॉर्डिंग टू द गिवन यू हैव टू यूज दिस। अभी बताती हूँ कि इसमें ये नहीं यूज होगी, इसमें हमने ये यूज करना है, देखो कैसे। इस क्वेश्चन में लुक एट द बोर्ड, वी आर गिवन ए बी पूरी साइड, ठीक है, एंड मोर ओवर ए सी का रिलेशन हमें गिवन है, जहां पे पूरी साइड्स गिवन है वहां पे आप बीपीटी की एप्लीकेशन पूरी साइड वाली कर दो, बेटर होगा, अदरवाइज आपको एक्स वाई पता नहीं क्या क्या लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पूरी साइड वाली अगर एप्लीकेशन करें तो वी विल बी हैविंग ए बी अपॉन ए डी, ये पूरी साइड ओवर आधी साइड इक्वल टू उधर से पूरी साइड ए सी ओवर आधी साइड ए ई, दिस इज द सेकेंड वे टू राइट द एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी, एंड वेन टू राइट दिस अकॉर्डिंग टू द गिवन, राइट। चलो अब रिप्लेस करते हैं वैल्यूज को, वी आर गिवन ए बी टू बी सिक्स, ए डी हमें फाइंड करना है, और ये जो ए सी ए ई है इनका रिलेशन दिया हुआ है दैट ए ई इज इक्वल टू वन बाय फोर ए सी, हम ए सी को लिख लेते हैं फोर टाइम ए ई, ए सी कैन बी रिटन एज फोर टाइम ए ई, ए ई गेट कैंसिल, फोर नीचे आ गया सिक्स के, सो ए डी कम्स आउट टू बी थ्री बाय टू, ठीक है, 1.5।
इन द गिवन फिगर LM इज पैरेलल टू BC, AB सॉरी, LM इज गिवन टू बी पैरेलल टू AB, नोट करते जाओ साथ साथ काम आएंगे आपके ये क्वेश्चन. LM इज पैरेलल टू AB, इट इज गिवन. AL इज गिवन टू बी X माइनस 3 एंड होल AC इट इज गिवन टू बी 2X, ठीक है. और उधर से BM इज गिवन टू बी X माइनस 2 एंड द होल BC इट इज गिवन टू बी 2X प्लस 3. नेचुरली यहाँ पे हम लगाएंगे BPT, पर इस बार हम फिर से BPT की सेकेंड फॉर्म जो है उसको अप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी बेटर फॉर अस. माइनस पेपर में क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, ये लिखोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, फिर ये लिखोगे, फिर आधी आधी पे लगाओगे BPT. टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम जब सेकेंड फॉर्म ऑफ BPT की है, लेट अस ट्राई दैट. क्या थी हमारी सेकेंड फॉर्म, कि फुल साइड ओवर द हाफ साइड इज इक्वल टू इधर से फुल साइड ओवर द हाफ साइड, सॉरी AL नीचे, इज इट ओके. ठीक है, माइनस करने की बजाय हम इस तरह से भी BPT की एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं. वैल्यू पुट करो AC की 2x, AL इज x माइनस 3, BC की वैल्यू 2x प्लस 3, MB की वैल्यू x माइनस 2, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गेट x. कितना आंसर आ रहा है, 9. हाँ बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EC. इन द गिवन फिगर AD, पहले फिगर देखो, AD अपॉन DC दिस इज इक्वल टू BE अपॉन EC. एंड वन मोर थिंग इज गिवन, एंगल CDE this is equal to angle CED. CDE is equal to CED. These two things are given to us. With the help of these two things, we have to tell that which of the following is true. BC equal to AC, AB equal to AC, AB equal to BC, CE is equal to D. अपने गिवन को आप यूज करो. सबसे पहले ये जो गिवन है AD अपॉन DC, BE अपॉन EC, दिस इज टेलिंग अस अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ द PPT दैट DE इज गोइंग टू बी पैरेलल टू AB. सो पहली कंडीशन से हमारे पास आ गया दैट DE पैरेलल टू AB, राइट. सो अगर DE पैरेलल टू AB है, इसका मतलब ये जो एंगल है एंगल 1 एंड एंगल 2, they are corresponding angle equal. Similarly, this angle 3 is equal to 4. They are two corresponding angles. So, parallel line से corresponding angles का हमने जो है वो लिख लिया. अब जो given है उसको इसके साथ अगर match करें, CDE, CDE का नाम क्या है हमारे accordingly? 1. और CED का नाम क्या है? 3. So, हमारे पास ये given था, ये हमने डिड्यूस किया. दोनों इक्वेशंस पे अगर लेफ्ट साइड इक्वल है, देन राइट भी क्या आएंगी, इक्वल. इसका मतलब इफ 1 इज इक्वल टू 3 देन 2 इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 4. नाउ सी इन दिस ट्रायंगल दिस बेस एंगल 2 एंड 4 दे आर गेटिंग टू बी इक्वल, एंड इफ 2 बेस एंगल्स आर इक्वल देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल. सो विच टू साइड विल बी इक्वल, AC एंड BC. हाँ जी, एंगल 1 इज इक्वल टू, ये कैसे आया, ये गिवन है, मैंने उसके नेम अपने अकॉर्डिंग, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4. अच्छा, दिस इज ए बी सी, दिस इज डी, ठीक है. देख लो ध्यान से अच्छे से, भावना क्लियर है.
नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर देयर इज अ ट्राइंगल एबीसी एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी. एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच डीई इज गिवन टू पैरेलल टू बीसी. AD upon DB, this is 2 upon 3. AC is equal to 18. This is given to us and we need to find the side AE. सिर्फ हमारे पास ये पूरी साइड गिवन है और इन इधर इधर वालों की रेशियो गिवन. अगर हम दो मिनट के लिए इसको अगर हम पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को लगाते हुए अपनी पीपीटी थ्योरम ही लगाएं तो वी विल बी हैविंग दिस AE अपॉन ईसी. यही होगा हमारे पास. इधर वाले की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2/3. अब देखो हमने निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड AE निकालना है. अगर आप AE निकालना चाहते हो तो आपके पास ईसी होना चाहिए. ईसी नहीं है ना, तो हम AC लेके आ सकते हैं बाय एडिंग 1 ऐड करने का भी एक तरीका होगा. 1 ऐड करते हुए ये याद रखना है कि AE गायब नहीं होना चाहिए बिकॉज़ AE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो इसका मतलब जो 1 ऐड भी करना है उसके लिए भी सबसे पहले क्या करोगे? रेसिप्रोकल लोगे. सो यू विल राइट 3/2 दिस. नाउ एडिंग 1 टू बोथ साइड इट विल बिकम 5/2. यहाँ पे ऐड करोगे एलसीएम लोगे इट विल बिकम एसी ओवर एई. पुट द वैल्यू ऑफ एसी गेट एई. कर लो फिर ऐसे कर लो. अगर आपको ऐसे ही करना है कि इसको एक्स लिया इसको 18 - x, ठीक है कर लो. 7.2 द आंसर इज 7.2. हाँ जी भावना ठीक है. नेक्स्ट इन द गिवन फिगर देर आर टू ट्राइंगल्स, वन इज ए बी सी अनदर इज डी ई एफ. दे आर गिवन टू बी सिमिलर. ए बी सी इज गिवन टू बी सिमिलर टू डी ई एफ एंड वी आर गिवन दिस ए बी टू बी 5, this AC to be 8, this angle to be 30 degree, this angle to be 50. And in second triangle, this is given that DE is 7.5 and this angle is 50. So हमारे पास कुछ options हैं, हमें उनमें से बताना है that which of the following is true. सबसे पहले एक बात को जरा ध्यान में रखो कि हमारा जो एंगल एफ है वो कभी 100 नहीं हो सकता क्योंकि एफ की वैल्यू हमें 50 दी हुई है ना. एफ इज गिवन टू बी 50. सो ये वाला ऑप्शन तो रूल आउट ही हो गया. ठीक है बच्चे, अब हमारे पास ये तीन ऑप्शन, बाकी एंगल्स भी निकाल के देख लिए. 50 30, दिस विल बिकम 100. सिमिलर का एक मिनट मुझे लेटर्स लिखने दो किस ऑर्डर में है. ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है. A angle and D angle, they will be same. B and E will be same. अब देखो जरा, A भी नहीं हो सकता क्योंकि proportionality नहीं हो सकती. C भी नहीं हो सकता क्योंकि angle D. So which option is correct? D. Rule out method से इसको करो, that will be better. है ना? अंशिका नहीं पता चला? चल गया पता? कृष्णा क्या नहीं पता चला? पहला ऑप्शन एफ 50 के साथ है. एफ पहला ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है. इन फर्स्ट ऑप्शन एफ इज 15 बट डी इज 12, डी 7.5 नहीं हो सकता. सेकंड ऑप्शन में एफ 100 है, ये भी नहीं हो सकता. थर्ड ऑप्शन में डी 100 है, ये भी नहीं हो सकता. बचा कौन?
three options. We'll continue tomorrow.